ओके वेल सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे सभी लोग, आप सभी लोग देख रहे हो आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जेके गेमिंग। तो गाइस आज के वीडियो में आपको तीन टिप्स दूंगा जिनसे आप एक प्रो प्लेयर बन पाओगे फ्री फायर के अंदर। ये टिप्स आपकी रैंकेड में, नॉर्मल क्लासिक में और बरमुदा जो भी आप खेलते हो और क्लैश स्क्वाड रैंक सब में काम आएगी। और अगर आप इन टिप्स को अपने दिमाग में रख लेते हो तो गाइस एक रियल वाले प्रो प्लेयर बन पाओगे। वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा नहीं देखोगे तो गाइस मज़ा नहीं आएगा और आपका मेरा वीडियो पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर गाइस मेरे को मोटिवेट नहीं कर पाओगे फिर आप, इसलिए ठीक है गाइस। तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने के लिए मैं आपको अब टिप देनी चालू कर रहा हूँ। तो पहले टिप हमारी है कवर फायर, ठीक है गाइज। आपको क्या करना होता है कवर फायर के अंदर, आप देखिए यहाँ पे बंदा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे एनिमी है तो हम देखो क्या करना है। देखो मैं पहले तो यहाँ पे लूट रहा हूँ, मेरे से मत करना भाई हर चीज़, मैं आपको बस एक अपनी टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सब कुछ मेरी तरह ही करना है, सॉरी पहले जो मैंने बोला, बस आपको सब मेरी तरह करना है, आपको सब फॉलो करते जाना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, आपको आपको मैं पहली टिप दे रहा हूँ। पहले टिप क्या है कि गाइज आपको हमेशा कवर फायर से ही खेलना है। जैसे कवर फायर किया तो कवर से फायर, ठीक है। इधर मैंने उसको हेड मारा बंदे को, फायर, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, क्योंकि गाइज उसको डैमेज मैंने बहुत सारा दिया है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं जाऊँगा ऐसे। तो गाइज देखा था आपने, मैंने इसको हेड ही दिया था, ठीक है। तो अब इसको तो दिया था मैंने हेड, अब हमें खुद खेलना होगा भाई संभल के, ठीक है गाइस, क्योंकि हो सकता है बंदा यहाँ पर खुद ही हो, यहाँ पर जहाँ मैं सोच रहा हूँ ना गाइस यहाँ पे बंदा हो सकता है। तो मैं आपको क्या दे रहा था, पहली टिप कवर फायर, जो आपको हमेशा कवर फायर से खेलना। अगर गाइस आप कवर फायर यूज़ नहीं करते हो तो आप कम ही हिसाब से एनिमी को मार पाओगे, ठीक है। आपको कैसे करना है, ठीक है, पहले आपने बंदूक निकाली, ठीक है, बंदूक निकाल ली आप ऐसे हो गए। अब आपको यहाँ पर निशाना लगाए रखना है, जब तक वो एनिमी बाहर आएगा ना वैसे ही आपको कहीं निशाना लगा देना है। अब यहाँ से वो एनिमी बाहर आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एनिमी के लिए हमें देखते रहना है कि एनिमी कब आएगा बाहर। जैसे ही एनिमी बाहर आएगा ये फायर, फिर फायर, फिर कवर, फिर फायर, ठीक है। तो इस टिप से आपको ऐसे ही लड़ना है एनिमी से, ऐसे ही फाइट लोगे तो हमेशा एक प्रो प्लेयर बन पाओगे। अगर इस तरीके से फाइट नहीं लोगे तो एक प्रो प्लेयर नहीं बन पाओगे। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, ओके। सो बिगिन ऑन सेकंड टिप। तो आपको सेकंड टिप के अंदर मैं क्या बताना चाहता हूँ, सेकंड टिप में अगर आपकी लूट बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस, ग्लू वॉल तो भर भर के ले लो, क्योंकि ग्लू वॉल से ही आपकी वॉल होगी और उससे आप बच पाओगे, थोड़े से ही बचोगे, पूरे नहीं बचोगे। इसलिए आपको सेकंड टिप में आपको क्या बता रहा था, लूट, आपको लूट हमेशा ऐसी करनी है कि आप पे हेलमेट होना चाहिए, वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी थर्ड लेवल का या सेकंड लेवल का, ठीक है। अगर आप पे सेकंड लेवल या फर्स्ट लेवल की वेस्ट वेस्ट नहीं होगे तो आप फाइट कैसे लोगे, सही बोल रहा हूँ, फाइट कैसे लोगे भाई, जब तक आप पे वेस्ट वेस्ट नहीं होगी तो आप फाइट कैसे ले लोगे तो बता दो मुझको। अब यहाँ पे देखो पुरानी टिप का फायर, ठीक है, अब मैंने अपनी पुरानी टिप का यूज़ किया, फायर, फिर कवर, फिर फायर, ठीक है। तो यही करना है आपको हमेशा गाइज, आप देखो मतलब आपको जो टिप बता रहा हूँ वो देखो, ठीक है। इसके बाद क्या था, मैंने आपको सेकंड टिप के अंदर जो बताया गाइज, उसका हमेशा ध्यान रखना, उसको कभी भी आपको अनरिमेंबर नहीं करना है, क्योंकि गाइज वो टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लूट जब आपको बता रहा था गाइज, लूट हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हमेशा आपकी ग्लू, दो ग्लू बॉल या दो बम होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास दो आपकी मनपसंद गन होनी चाहिए जिनसे आप एक एनिमी को, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता है एनिमी को मारने में उन गन से, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इन अपनी गनों का और अपना ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको वही गन मिले जो आपकी फेवरेट हो और वही आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। अब इस सेकंड टिप में आप क्या समझते हो गाइज, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी समझते हो गाइस मुझे कमेंट में लिख के बताया करो, बहुत अच्छा लगता है कसम से भाई, प्लीज़ अपना बहुत बढ़िया तरीके से गाइस बस रहम बरसा दो सब्सक्राइब का, ठीक है। तो अपनी सेकंड टिप का आपको एक डेमो भी दे देता हूँ, मेरे को मेरी फेवरेट गन है थॉम्पसन। गाइस आप मेरे जितने भी गेम प्ले देखते हो जाके वापस जाके देखो, मैंने हमेशा थॉम्पसन ही यूज़ करी है ज़्यादातर मैचों में, ठीक है। तो मैंने इस बार भी थॉम्पसन ली और दो ग्रेनेड और एक ग्लू बॉल ले लिया, ठीक है। तो आपको भी हमेशा ऐसे ही लूट करनी है, ठीक है गाइस।
आपको जैसा मैंने सिखाया है आपको वैसी ही लूट करनी है। और अगर आप अपनी मनपसंद लूट नहीं करते गाइस तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है खेलने में, ठीक है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है आपकी मनपसंद गन से, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ गाइस, वरना मेरे को किसी पार कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं आपको ये सारे टिप्स दूँ, ये टिप्स आपके काम आएंगी, तो इसलिए आपको मैं दे रहा हूँ, वरना मेरे को कोई शौक नहीं है आपको टिप्स देने का। बट गाइस मेरी ड्यूटी बनती है अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो आपको टिप्स दूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था, ये सेकेंड टिप में आपको यही सब बताना चाहता था, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है। डबल किल, इन चीज़ का ध्यान डबल रखोगे किल। गाइस तो हमेशा एक बहुत बढ़िया प्रो प्लेयर बन पाओगे, वरना गाइस घाटा तो हो ही जाएगा, क्योंकि तो अगर आप फॉलो और वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो गाइस फ़ायदा तो आपको होगा ही नहीं। तो वीडियो देखा है तो गाइस इन्हें फॉलो भी करो तो आप एक प्रो प्लेयर बन पाओगे, वरना गाइस फ़ायदा क्या हुआ वीडियो देखते वक्त, मुझे मुझको कमेंट करके बता देना अगर फ़ायदा हुआ वीडियो को देख के, और अगर आपने उस चीज़ पर अमल भी ना करो तो मुझे बता देना कि वीडियो फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो पहले टिप तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरी भी बता दिया, अब आते हैं हम थर्ड टिप पे, ठीक है। अब अगर देखो आप भाई ग्लू वो क्या कहते हैं बड़ा वाला रैंकेड खेल रहे हो तो गाइस आपको तो हमेशा लेने चाहिए, जैसे कि मैं आपको प्लेयरों के नाम बताता हूँ, वो होते करोनो आलोक, इनका ही यूज़ करना है और किसी का यूज़ कभी मत कर लेना, वरना फ़ायदा तो होगा नहीं घाटा ही होगा, ठीक है। सही आप जी रहे हो उस दुनिया में कि आपको फ़ायदा हो जाएगा करोनो वरोनो ना लेके, ठीक है। तो करोनो और उसका यूज़ करना है हमेशा, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गाइस आलोक आपकी एचपी बढ़ाता है, करोनो आपको शील्ड देता है, तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, तो दोनों का आपको ध्यान रखना है और ध्यान रख कर ही खेलना है, ठीक है। तो बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा था, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा गाइस। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखते हो तो गाइस आप खुद में एक असली प्रो प्लेयर बन पाओगे, और अगर आप खुद प्रो प्लेयर बनोगे तो मेरे को खुशी मिलेगी और हमारे चैनल को ग्रो कर दो गाइस प्लीज़, क्योंकि गाइस अभी बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है चैनल पे, जाकर जल्दी से बढ़िया कर दो रिस्पॉन्स। और गाइस एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, कि आपको मैंने बताया आलोक और करोनो बढ़िया करेक्टर है अगर आप बड़ा वाला रैंकेड में खेलते हो तो। गाइस अगर आप क्लासिक रैंकेड खेलते हो तो उसमें क्या है कि उसमें आपको हयाटो मोको कैली जोसफ इन चारों का इस्तेमाल करना है, जिससे कैली 6% ज़्यादा तेज भगाती है आपको, हयाटो वेस्ट के भी अंदर डैमेज देता है 10%, अगर उसको मिल जाए तो वो 10% फालतू डैमेज देता है वो भी वेस्ट के अंदर तक, और मोको जो है 2.5-3 सेकेंड 5 सेकेंड तक बंदा बताती है कि कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इन चीज़ का ध्यान रख लेते हो तो आप एक बहुत बढ़िया प्रो प्लेयर बन पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नए और ब्रांड न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।